क्या आप आर्ट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर एजेस के बाद कैसे आप आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए, या फिर एससी एसटी ओबीसी वालों को क्या कोई छूट मिलती है या फिर नहीं, ये सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर एंड तक बने रहिए। आप अगर 12th के बाद आर्ट को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको ये जानना होगा आर्ट ये आपका हॉबी है या फिर पैशन, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट होते हैं। हॉबी क्या होता है, जो आप अपनी फ्री टाइम पे करते हैं, टाइम पास करने के लिए कर सकते हैं, उसे ही हॉबी कहते हैं। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेस कम होती है, ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं हॉबी के। लेकिन अगर आप इस आर्ट को अपना पैशन मानते हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना होता है, आपको बहुत सारी चीजों की सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको जानना पड़ता है कि आर्ट आपका हॉबी है या फिर पैशन। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं विक्रम और मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चित्रकार योगी। अगर आपने 12th पास करा है किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो फिर आप फाइन आर्ट के अंदर भी एक अच्छी करियर बना सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या है, BFA कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप कोई दूसरे काम करते हैं, आपको फाइन आर्ट का कोई डिप्लोमा या फिर कोई और चीज चाहिए, तो आप फाइन आर्ट का डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि डिप्लोमा कराते हैं, जो कि अच्छी गवर्नमेंट एफिलेटेड है, वहां से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं फाइन आर्ट के, वहां से भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। 12th के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो ही आप BFA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कोटा वगैरह है, जैसे कि SC, ST, OBC, तो भी उसके भी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाता है एडमिशन के वक्त। और अगर आप कोई आर्ट स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं, आपके पास कोई सब्जेक्ट था फाइन आर्ट का, जैसे कि पेंटिंग होता है, 11th 12th में रहते हैं, तो आप उसके भी कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं था तो भी कोई बात नहीं, आप सभी इसके अंदर एक अच्छी करियर बना सकते हैं। तो ये जो है आपको तीनों टेस्ट क्लियर करना होता है, जो कि आपके जो फाइन आर्ट्स के जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनके अंदर ये तीनों टेस्ट होता है, उनके पास ही आपको क्लियर करना। तो क्या है, इसके अंदर भी आप बहुत ही अच्छा एक करियर बना सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, तो इस फील्ड के अंदर भी आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। फाइन आर्ट के अंदर भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, जैसे कि प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है। जैसे आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, या फिर कोई आर्किटेक्चर बन सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ धीरे धीरे, कि किस तरह के स्कोप होते हैं फाइन आर्ट के अंदर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिए आर्ट एडुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।